भैया काट रहे हैं और देखो एकदम से पूरी की पूरी कट गई, कोई टुकड़े नहीं हुए। देखो कितनी क्रिस्पी है। अभी तले जा रहे हैं कोफ्ते घिया के और मैं बना रहा हूँ, नहीं मम्मी बना रही थी, मैं तो बस ऐसे पकड़ लिया। सब्जी मट लेंगे वैसे बना रही सब्जी के बनाऊंगी कोफ्ते। अच्छा तो जो खाने हो तो खा लो ना, मेरे तो वैसे पकौड़ी बना दोगे तेरी? चल तो बना दिया, हाँ और क्या, मैं आलू की पकौड़ी खा लूँगा, सही रहेगा। कल को आओगे? ठीक है। ये गए अंदर, ये आ गई आलू की तली हुई पकौड़ियाँ बाहर, अभी ने खाएंगे मस्त। अरे एक ही बात है, ये रहा सूर्य का पोटी स्पॉट, यहाँ पे ये पोटी करता है मेज के नीचे बैठ के और छिप जाता है। गाइस वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग, आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड माय नेम इज सागर। फिलहाल मैं हो चुका हूँ बिल्कुल फर्स्ट क्लास रेडी और मैंने आज जो है अपनी जिम की रेड टी शर्ट डाली है, काफ़ी सॉफ्ट है तो मैंने सोचा ये पहन लेते हैं। इसे पहन के इससे हो भी जाए बंदा पता नहीं चलता, इतनी ज़्यादा सॉफ्ट पतला सा कपड़ा है बहुत। तो गाइस फिलहाल बच चुके हैं 1:30 एंड अभी मैं नाश्ता करता हूँ। मैंने सुबह से अभी तक ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, बहुत भूख लगी हुई है क्योंकि थोड़ा काम कर रहा था ऑफिस का, तो वो हो गया है तो जल्दी से ब्रेकफास्ट करते हैं और मैं दिखाता हूँ क्या है। वैसे तो आपने देख ही लिया होगा आज पकौड़ी थी आलू की, तो वो खाते। ये रहा अपना ब्रेकफास्ट एकदम गरम गरम करारी करारी आलू प्याज की पकौड़ियाँ और इधर है कोफ्ते, तो जल्दी से करते हैं, मुंह में पानी आ रहा है। स्वादिष्ट एकदम। सूर्य क्या देख रहा है? पतंग किया। ओ भाई इतनी बड़ी पतंग छेद कर दिया सूर्य था, तो छेद कर दिया पतंग में इसने। बहुत खूब बच्चे बहुत खूब, देखा जरा सी सोच से कैसे अपनी समस्या का हल निकाले। तो भाई सब ऐसे अपनी समस्या का हल निकालो। सोने रहा है तो अभी मम्मी जो है इसको उधर से रोटेटिंग चेयर लाई थी उस पर बैठ के झुला रही है। अबे सो जा, लोगों को परेशान कर दिया पूरा। दादी देख कितनी परेशान हो रही तेरी वजह से, सुलाने के लिए तुझे क्या क्या कर रही। सो जा, अबे सो जा। सो गाइस फिलहाल टाइम हो गया 5:45, मतलब 6 बजे में लगभग 15 मिनट है और मेरा कुछ स्पेशल सीन बन रहा है बहुत तगड़ा और मैं जाने वाला हूँ एक स्पेशल जगह पे जहाँ पे बहुत ही टेस्टी टेस्टी चीज़ें बनती है और मैं आपको भी दिखाऊंगा। चलो सस्पेंस रखता बता देता हूँ। तो मैं जाने वाला हूँ आलू टिक्की खाने के लिए और मैंने सोचा था कि काफ़ी दिनों से कोई फूड व्लॉगिंग नहीं हुई तो आज फूड व्लॉगिंग करते हैं। और मैं बता देता हूँ उनकी जो शॉप है काफ़ी फेमस है, नरेंद्र टिक्की वाले के नाम से उनकी शॉप चलती है बड़ौद के अंदर और वो काफ़ी टेस्टी टिक्की बनाते हैं। अगर आपको याद हो मैंने पहले एक व्लॉग डाला था जिसमें बाबा जी मेरे लेके आए थे आलू टिक्की और सूर्या मैंने और बाबा जी ने खाई थी और बाद में हमने गोलगप्पों का पानी पिया था, तो हम वहीं पर जाने वाले हैं अभी। तो फिलहाल अभी बुलेट खड़ी है और मैं बुलेट निकालूंगा क्योंकि सौरभ को स्कूटी चाहिए, उसे कुछ काम है तो वो लेके जाएगा। एंड मैं रास्ते की वीडियो नहीं बना पाऊंगा क्योंकि एक हाथ से क्लच हैंडल करना होता है और एक हाथ से रेस, तो शूटिंग तो नहीं पाएगी। तो कोई बात नहीं, मैं सीधे शॉप पे पहुँच के आपको एड्रेस वगैरह सब दिखा दूँगा और देखते हैं फिर पूरा प्रोसेसर कि वो कैसे कैसे टिक्की बनाते हैं। चलो बाबा जी आ गए, बाबा जी के साथ चलेंगे। चलो साइकिल अंदर खड़ी कर दो। तो हम पहुँच गए हैं नरेंद्र चाट वाला, देखो यहाँ पे शॉप है और इनकी शॉप जो है बिल्कुल छोटे जैन मंदिर के सामने पड़ती है, ये गली है यहाँ पे और ये भैया है यहाँ पे, तो भी टिक्की हो रही है और बाहर बाबा जी खड़े हैं और अंदर काफ़ी भीड़ है, काफ़ी लोग आए हुए हैं टिक्की खाने के लिए, कुछ तो पहले से खा भी रहे हैं और भैया यहाँ पे कुछ टिक्की रेडी कर रहे हैं। तो अभी दिखाते हैं आपको पूरा प्रोसेसर। तो अभी जो है टिक्की सिक रही है, अच्छे से क्रिस्पी हो जाएगी जितनी देर सिकेगी। भैया कितनी देर तक सेकते हो आप? 2-3 मिनट तक। अच्छा 2-3 मिनट तक। देखो कितना अच्छा कलर आया हुआ है, बिल्कुल ब्राउन हो चुकी है सिक्के वाली, अच्छे से सेकेंगे अभी। भाई साहब क्या जबरदस्त कलर आ रहा है, ये निकाल लिया, अब काफ़ी गर्म हो गई और तेल थोड़ा निचोड़ रहे हैं ताकि जो एक्स्ट्रा फैट वो निकल जाए। अब भैया काट रहे हैं और देखो एकदम से पूरी की पूरी कट गई, कोई टुकड़े नहीं हुए, देखो कितनी क्रिस्पी है। और अभी इधर भैया दही डाल रहे हैं ऑयल के अंदर अच्छे से ताकि ये चिपके ना अंदर, और ये अंदर चले गए हो और ये ऊपर अलग से आलू डाल दिए।
और नमक वगैरह मसाले जो भी हैं, ये कुछ इनके होममेड मसाले डाल रहे हैं, मिर्च वगैरह। और अभी भैया ने डाली है हरी चटनी और ये रेड सॉस, ये सब खुद ही बनाते हैं भैया। और अब दही डाल दी, ये खा के देखते हैं कैसी है। काफ़ी स्पीड पे लगाई, ज़्यादा टाइम ही लगाया भैया ने, और काफ़ी फेमस शॉप है इनकी, और आप भी आओ कभी खा के देखो। बब्बा जी जो है गोलगप्पों का पानी पी रहे हैं तब तक, क्योंकि आज गोलगप्पे ख़त्म हो गए भैया, आज गोलगप्पे ख़त्म हो गए हैं, काफ़ी डिमांड रहती है गोलगप्पों की यहाँ पे। खा के देखते हैं अभी, और काफ़ी वैसे टेस्टी होती है मुझे पता ही है। आवाज़ आ रही है, कचकच आ रही है आवाज़, बहुत ज़्यादा क्रंची है। एक ही पत्ते में जो है पेट भर जाता है, और ये जो पत्ता है बड़ा पत्ता है, 30 रुपये का है, 30 रुपये का है ना भैया, 30 रुपये का है, और पूरी भर जाती है ऊपर तक, और एक आदमी आराम से बिल्कुल मतलब फुल हो के जाएगा, इतना पेट भर जाएगा, कुछ खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसे खाने के बाद। बहुत बड़ा टेस्ट भैया, बोल कप्पों का पानी दे दियो। बहुत ही चटपटा पानी था, इधर कुछ लग भी गया। तो अभी चलते हैं, बाबा जी को मैंने टिक्की दे दी है। तो ये है शॉप, आप अच्छे से याद कर लो, छोटे जैन मंदिर के पास ही पड़ती है, बिल्कुल सामने ही है। ये जो जैन मंदिर अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, और जब पूरा बन जाएगा हम इसमें भी घूमने आएंगे। काफ़ी बड़ा मंदिर है और काफ़ी सुंदर बन रहा है। तो ये लोहिया बाज़ार मार्केट है, यहाँ पर शॉप लगाते हैं। तो बाबा जी का मन था गोलगप्पे खाने का, तो गोलगप्पे खाने आए थे। बाबा जी को सूजी के पसंद है, एक मैं भी खा लेता हूँ। काफ़ी अच्छा टेस्ट है एकदम, ये भी क्रिस्पी है बिल्कुल। दादी से बोलो कि हमें गोलगप्पों का पानी दो गिलास में करके, हमें गोलगप्पों का पानी पीना है। गोलगप्पों का पानी पिएगा तू? अच्छा जी, बड़ा खुश हो रहा। ये इसका छोटा भाई है, छोटा भाई है, बड़ा भाई है भाई कौन सा? ये वाला है तो इसका भाई है। नहीं तो मैं दिल्ली से लाया था। दिल्ली से लाया था तू? हाँ। मैं तो अभी तक ये सोचता था इसका भाई हो गए। अब तो तेरे कान ठीक है, पहले बहुत ज्यादा इसको पिस्सू हो गए थे, तो फिर मैंने दवाई लगाई थी, तो अब सारे खत्म हो गए। दूध पी रहे? कितना प्यारा लग रहा है दूध पीते हुए। क्या हो गया, खेल रहा तेरे साथ वो, खेल ले। क्या हो गया, इसकी शर्ट पकड़ के खींच रहा है। पकड़ लिया। सुन ये खेल लेना, पपी है छोटा सा प्यारा सा, कुछ नहीं कहेगा, डर रहा है तू, चल तो ठीक है। देख ये रहा सोरे तेरा कीरा जनरेटर, तो भाई साहब अभी मौसम खराब होना स्टार्ट हो गया, घंघोर घटा छा गई है। बहुत तेज हवा चल रही है अभी, और लग रहा है काफ़ी मौसम ख़राब हो जाएगा अभी थोड़ी देर में ही। भाई का बोर्ड गिर गया। अरे भाई साहब, अंधी से नुकसान हो गया भाई प्रदीप भाई का, इसे अंदर रख दो। पता चला तोमर जी टेलीकॉम सेंटर हवा में उड़ गए। सॉरी, अपने मामा की वीडियो देख रहा है यहाँ बैठ के, पुराना व्लॉग तो डाला था। मामा आगे सुनो तेरे मामा। तो गाइस फिलहाल टाइम हो गया है 9:20 एंड आई होप कि आपको आज का व्लॉग जो है काफ़ी टेस्टी और क्रिस्पी लगा होगा, और आपने काफ़ी एंजॉय किया होगा आज का व्लॉग। तो जल्दी से लाइक कर दो मेरी वीडियोस को, और कमेंट सेक्शन में बताना कोई ऐसी जगह, कोई फेमस जगह जाकी आलू टिक्की और भी ज़्यादा फेमस, और आपको लगता है कि वहाँ की टिक्की यहाँ से अच्छी होगी, मुझे ब्लॉग बनाना चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं ट्राई करूँगा वहाँ जाने की। और अगर चैनल पर नहीं हो तो जल्दी सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को, बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ आने वाली है। मिलते हैं जल्दी अगले व्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय। तेरा नाम क्या है? तेरा नाम पापा है? भाई जो भी इस व्लॉग को देख रहा है सुन लो ध्यान से, सूर्य का नाम पापा है। अच्छा तेरे बच्चे कहाँ हैं? पापा तो बच्चे के बाद बनते हैं। सुन तेरे बच्चे कहाँ हैं? सो यहाँ तेरे बच्चे कहाँ हैं? है भाई सूर्य बता दे चाचू को, बच्चे कहाँ? बच्चे कहाँ हैं तेरे? चोरी है? अरे बता दे यार, मैं खुद बच्चा हूँ, मेरे कहाँ से बच्चे होंगे। लेकिन तेरा नाम पापा कैसा है ये बता। ठीक है, मैंने लोगों को कन्फर्म कर दिया तेरा नाम पापा है भाई, सब याद रखियो।